अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो सॉफ्टवेयर है गूगल बिंग एक्सेट्रा उसको किस तरह से रजिस्टर करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर की फ़ाइल में जाना है और यहाँ पे गूगल बिंग एक्सेट्रा जो फोल्डर नज़र आ रहा है इसको ओपन कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको तीन फोल्डर्स नज़र आएंगे, कीजेन, सॉफ्टवेयर और ट्यूटोरियल्स। ट्यूटोरियल्स में ये वीडियो आप लोग जो अभी देख रहे हैं, रजिस्ट्रेशन गाइड और सेटअप गाइड, ये नज़र आएगा। और उसके अभी मैं बताऊंगा कि गूगल बिंग एक्सट्रैक्टर को किस तरह से रजिस्टर किया जाता है। उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर की फ़ोल्डर में ओपन होना है और आपको एक जिप फाइल नज़र आएगी इस तरह से। एक मिनट, सॉरी, मैंने आई थिंक वो डिलीट कर दी है। सो मैं एक काम करता हूँ कि उसको रिसाइकल बिन से वापस करता हूँ, ठीक है। दिस वन, अब यहाँ पर मैं रिस्टोर कर देता हूँ। सो आई थिंक ये वहाँ पर वापस चला जाएगा, ठीक है। तो ये है जी सॉफ्टवेयर गूगल बिंग एक्सट्रैक्टर, और यहाँ पे सॉफ्टवेयर की फ़ाइल है और ये गूगल बिंग एक्सट्रैक्टर के नाम से फ़ोल्डर होगा। ये जिप फाइल में होगा, आप उसको जो है ना अनजिप करके फोल्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे और ये फिफ्थ लास्ट वाला गूगल बिंग एक्सट्रैक्टर का आइकन होगा, बिंग का बी लिखा होगा, इसको ओपन करेंगे तो ये इस टाइप का डायलॉग बॉक्स जो है वो पॉपअप हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग रजिस्ट्रेशन बॉक्स या रजिस्ट्रेशन डायलॉग। अब यहाँ पर हमारे पास हार्डवेयर आई डी है गिवन है हमें, हमने अभी नेम और की बनानी है। तो ये हार्डवेयर आईडी अगर मैं अभी डेल में यूज़ कर रहा हूँ, अभी अगर मैं किसी और लैपटॉप में इस सॉफ्टवेयर को ओपन करूँगा तो ये हार्डवेयर आईडी कोई और देगा। हर हार्डवेयर आईडी, हर पीसी के लिए हार्डवेयर आईडी डिफरेंट होती है और हर पीसी के लिए लाइसेंस की भी डिफरेंट होता है। हम एक ही लाइसेंस को हर पीसी में यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये निशानी होती है ओरिजिनल सॉफ्टवेयर क्रैक की, निशानी होती है कि हम हर पीसी में एक ही लाइसेंस को यूज़ कर सकते हैं, मतलब और हर पीसी में एक जो है ना सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसकी ये निशानी नहीं है। उसके बाद आपने गूगल बिंग एक्सट्रैक्टर में आना है, यहाँ पे कीजन के फोल्डर में आना है। तो आपको जो है वो एक जिप फाइल मिलेगी ये इस टाइप की जनरेटर की। तो हम इसको एक्सट्रैक्ट हेयर करके अनजिप कर लेंगे, तो ये अनजिप हो चुकी है, इसको ओपन कर लेंगे। अब ये दो स्टेप हमने किए हैं, सबसे पहले हमने सॉफ्टवेयर ओपन किया अनजिप करके और दूसरे नंबर पे हमने कीजन ओपन किया अनजिप करके। यहाँ पे हार्डवेयर आईडी है, इसको कॉपी करके ये मिड में पेस्ट करनी है, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेट, एक्सपायरेशन डेट सेलेक्ट करके 2020 30 कर देनी है, जो आपका दिल करे। मैं यहाँ पे 2030 कर देता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नेम लगाना है। हाँ, याद रखिए एक्सपायरी डेट ज़रूर सेलेक्ट करनी है। रजिस्ट्रेशन नेम लाइक मैं यहाँ पे कुछ भी लगा देता हूँ ये, लेकिन एक और चीज़ याद रखिएगा, रजिस्ट्रेशन नेम दोनों सॉफ्टवेयर पे सेम होना चाहिए, यहाँ पर भी और कीजन पे भी। उसके बाद सिंपल जनरेट के बटन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये बड़ी सारी की हो जाएगी। इसको कॉपी करके हम लोग यहाँ पर लगाएंगे इस जगह पर, की जगह पर, और पेस्ट करके रजिस्टर के बटन पर क्लिक करेंगे तो सॉफ्टवेयर रजिस्टर्ड हो जाएगा। अब अगर आपने की के साथ इसको परचेज़ किया, की उन लोगों के लिए होती है जो मल्टीपल पीसीज में यूज़ करना चाहते हैं या फिर फर्दर रिसेलिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं। मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि आप इस सॉफ्टवेयर को क्रैक या नथु कोड़े सॉफ्टवेयर जिन्हें हम कहते हैं वो नहीं है, इनके लिए आपको की परचेज़ करनी पड़ती है या फिर की जन परचेज़ करना पड़ता है। आप लोग इनके क्रैक को नहीं ढूंढ सकते हैं कहीं से भी, तो इसीलिए आपने हमसे सॉफ्टवेयर परचेज़ किया। अगर आपने कीजन के साथ परचेज़ किया है मतलब, तो आप लोग इसी मेथड के थ्रू रजिस्टर कर लेंगे। अगर आपने ये परचेज़ नहीं किया है जो इसको मैं क्लोज़ कर रहा हूँ, सिर्फ ये सॉफ्टवेयर ओपन परचेज़ किया है, तो आपको इस टाइप का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आपने ये हार्डवेयर आईडी और सॉफ्टवेयर का नाम हमें व्हाट्सएप पर सेंड करना है, जो आप जहाँ पर आपने हमें सॉफ्टवेयर परचेज़ किया, जिस व्हाट्सएप नंबर पर या फिर फेसबुक पर। हम आपको नाम और की सॉफ्टवेयर का रजिस्टर करके जनरेट करके हम सेंड करेंगे। आप रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे, आपका सॉफ्टवेयर रजिस्टर हो जाएगा। अब सॉफ्टवेयर रजिस्टर के बाद किस तरह का दिखेगा वो दिखा देते हैं। सॉफ्टवेयर की फ़ाइल में गूगल बिंग एक्सट्रैक्टर होगा और मैं वही चीज़ सॉफ्टवेयर इसको और ये फिफ्थ वाले को ओपन करेंगे तो इस तरह का ये सॉफ्टवेयर नज़र आएगा। जब इस तरह का बॉक्स आ जाए आपके पास रजिस्टर क्लिक करने के बाद, देन आप समझ जाइएगा कि हमारा सॉफ्टवेयर रजिस्टर हो चुका है, ठीक है। तो ये जो है वो कंप्लीट यूज़र गाइड थी, रजिस्ट्रेशन गाइड थी कि किस तरह से ये जो सॉफ्टवेयर है गूगल बिंग एक्सट्रैक्टर इसको रजिस्टर किया जाता है। और अगर आपने कीजन के साथ परचेज़ किया तो ये कीजन का ऊपर फोल्डर होगा, अगर नहीं किया है तो नहीं होगा। सिर्फ आपने सॉफ्टवेयर में जाकर हमें हार्डवेयर आईडी सेंड करनी है और सॉफ्टवेयर का नाम हमें सेंड करना है, हम आपको नाम और की जनरेट करके सेंड कर देंगे। तो ये सारा था रजिस्ट्रेशन गाइड, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको गूगल बिंग एक्सट्रैक्टर सॉफ्टवेयर का जो है वो यूज़ बताऊंगा।
सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर्स की फाइल ओपन करेंगे, यहाँ से गूगल बिंग एक्सट्रैक्टर ओपन करेंगे और यहाँ से फिर सॉफ्टवेयर गूगल बिंग एक्सट्रैक्टर और ये फिफ्थ वन लास्ट वाले, अगर हम डाउन से ऊपर जाएं तो फिफ्थ वाला जो ऑप्शन है वो ओपन करेंगे। अब यहाँ पे गूगल बिंग क्या है, गूगल एक सर्च इंजन है, सेम इसी तरह बिंग भी एक सर्च इंजन है, तो आप इनमें से जिसमें से भी डाटा निकालना चाहते हैं आप निकाल सकते हैं। लेट्स सपोज मैं गूगल से निकालता हूँ, सिंपल गूगल पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर गूगल क्रोम मेरे पास ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं कोई भी कीवर्ड लिख दूँगा, लाइक सपोज कर लें कि मैं कर देता हूँ जी के एजुकेशन इन पाकिस्तान, या फिर जो भी कीवर्ड है वो यहाँ पर लिख लूँगा मैं इस जगह पे, लाइक सपोज कर लें, चले मैं लिख लेता हूँ टेक्नोलॉजी, ठीक है मैंने लिख लिया टेक्नोलॉजी, सभी टेक्नोलॉजीज पे वेबसाइट्स आ गया। मैं गेट डाटा के बटन पे क्लिक करता हूँ, सभी जिस टेक्नोलॉजी के बारे में जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनका डाटा इसने स्क्रैप करना स्टार्ट कर दिया है। सो ये फीचर है इसका, जब अभी हम पे जो ईमेल और फ़ोन नंबर ये स्क्रैप करेगा, हम उस पर मैनुअली ईमेल मार्केटिंग और फ़ोन नंबर मार्केटिंग या एसएमएस कास्टर से या व्हाट्सएप मार्केटिंग से जो है वो मार्केटिंग कर सकते हैं। ठीक हो गया। सो यहाँ पे सेलेक्ट, अगर आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं फर्दर, सो यहाँ पे सिंपल यही करेंगे कि सेलेक्ट ऑल करके जो है वो इसको एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से सेलेक्ट ऑल करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल आपको, और उसके बाद एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देंगे और ये आ जाएगा यहाँ पर बिंग। ठीक है, मैं लिख देता हूँ बिंग और इसको मैं कर देता हूँ जी क्लोज। ठीक है। सो ये इसका ये फ़ायदा है कि मतलब आप लोग इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं आगे फर्दर अपनी जो है वो ईमेल मार्केटिंग वगैरह में। अब यहाँ पर ये CSV में अपलोड होती है फाइल, अगर आपने इसको कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको zamzer.com पे जाना पड़ेगा। उसके लिए zamzer.com में जो है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ zamzer.com कन्वर्ट CSV टू XLS, मतलब एक CSV फाइल होती है उसमें जो है ना डाटा मर्ज हुआ होता है, इसमें ऐड फाइल्स करके इसको जो है वो मर्ज करके हम अनमर्ज कर सकते हैं, एक्सेल फाइल में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये जो है वो इसका था यूज़, सिंपल सा एक यूज़ है। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। बेनिफिट ये है कि हम लोग लो जो नंबर और लेड निकालेंगे ईमेल मार्केटिंग में, हम उसको या एसएमएस कास्टर में या व्हाट्सएप मार्केटिंग में उसको फर्दर यूज़ कर सकते हैं। ये आज ये जो है वो मार्केटिंग का ये इसका फ़ायदा है। एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और सिंपल सा सॉफ्टवेयर है, कोई इतनी ज़्यादा इसमें नहीं है। सेटिंग को आप अपना चेंज ना कीजिएगा, जो सेटिंग है उनको ऑलरेडी सॉफ्टवेयर की रहने दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।